अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये बैसाख की तैयारी के सिलसिले की एक और वीडियो है। परपटाई के बाद कबूतरों को आपने दाने में क्या देना है, ये उस सिलसिले की पे वीडियो है। परपटाई कल मैंने की थी कबूतरों की, तो आज जो उनको दाना डालना है वो मैं आपको बता दूँ। जो दाने में आपने देना है उनको, जो मैंने पहले वीडियो दाने की बताई थी कि कबूतरों के परपटाई से पहले दाना क्या देना है, उसी सिलसिले से जारी रखना है। रोटी के बोरे भी देने हैं, मिक्स दाना भी उनको जो है वो देना है, और जो ब्रीक दाना मैं सर्दियों का बताया था वो भी देना है। बस आपने इसमें एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा शामिल कर लेनी है, वो ये कि जो सरसों की मिकदार है, ये देख लें, ये दाना है, इसमें जो सरसों की मिकदार है वो थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है हमने। सरसों जो है थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, ताकि कबूतरों को जब परपटाई होती है तो उनको तेलदार अजनास की ज़रूरत होती है। तो मैं आपके सामने अभी इनको ये डालता हूँ। कबूतरों के जो है वो सरसों की मिकदार बस आपने ज़्यादा कर लेनी है, बाकी उसी तरीके से जो आप उनको देते हैं खाने पीने में वही सब कुछ देना है। और एक और बात, के जिन दोस्तों की बाजियाँ जेठ की हैं, वो अपनी जो रूटीन इस तरह से सेट करें कि उन्होंने 1 फरवरी को जो है कबूतरों की परपटाई करनी है। जेठ के लिए पहले जो है परपटाई 15 फरवरी को की जाती थी, लेकिन अब क्योंकि आगे रमज़ान आ जाएगा, इसके लिए उनको भी 1 फरवरी को ही परपटाई करनी है कबूतरों की। तो वो दोस्त भी इस तरह ही से कबूतरों को जो है ले कर चलें। और जो फटियाँ वगैरह हैं वो मैंने जाल के अंदर से उतार दी हैं, ताकि जो ये ऊपर जाने की ये कर रहे हैं आपके सामने कोशिश, ये 1-2 दिन में इनकी ख़त्म हो जाएगी। इससे ये होगा कि जब इनके नए गुल्ले आएंगे तो ये ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो उनमें से खून वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और आजकल मैं जोड़े जो हैं वो अलहदा किए हैं, नर अलहदा किए हैं, मादियाँ अलहदा। और जो बच्चे हैं वो मैंने मादियों में डाले हुए हैं, क्योंकि नरों में डाला तो वो इनको मारते हैं, तो जिसकी वजह से जो कबूतर से नहीं होते। और एक और बात जो आपने, जिसका ख्याल रखना है, कि पारपटाई से अगले दिन भी जब पानी आपने इनको देना है तो उसमें जो है डिस्प्रीन की गोली शामिल करके दें, ताकि इनको जो है कुछ दर्द से रिलीफ मिल सके। और इसके अलावा आपने जो इनके साथ एक और काम करना है वो ये कि इनको नहाने नहीं देना। अगर आप इनको नहाने देंगे तो उससे भी जो है इनके पर जो है वो ख़राब होंगे, डिस्टर्ब होंगे। जब इनको नहलाई देनी है वो भी वक्त आपको मैं बताऊंगा। और परपटाई जो है इनकी 2 मरलों में करनी है। पहले मरले में हमने इनके पहले 10 पर खींचे हैं, अगले मरले में हम जो है इनके बगलों के पर और तुमके खींचेंगे। वो भी वीडियो मैं आपके साथ, दोस्तों के साथ बना के शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।